हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम एक बार हाजिर हुए हैं। हमारा जो नया चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कौन सा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एपी, जो कि अपने बुक में चैप्टर नंबर क्या है, फिफ्थ है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले हमें अच्छे से ये पता होना चाहिए कि हमारे पास फर्स्ट में आती है सीक्वेंसेस। क्या भाई? सीक्वेंस, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। सीक्वेंस के लिए क्या होना चाहिए? एक डेफिनेट ऑर्डर होना चाहिए और डेफिनेट रूल होना चाहिए हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है कि 1 3 5 7 9 सोन। आप देख पा रहे हो कि इन सब में जो डिफरेंस है वो किसका रिप्रेजेंट हो रहा है? 2 का डिफरेंस रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये एक डेफिनेट रूल हो गया हमारे पास। ऐसे ही नेक्स्ट सेकंड देख पा रहे हो, 2 4 8 14 सोन। यहाँ पर देखोगे तो इक्वल डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट और सेकंड टर्म में आप चेक करोगे तो 2 का डिफरेंस है, थर्ड और फोर्थ में करोगे तो आपके पास 4 का है और नेक्स्ट में 6 का है। तो ऐसे ये भी आपके पास क्या बन रही है कि सिक्वेंस बन रही है। तो नेक्स्ट इससे आगे बढ़ता हूँ तो अपने पास है टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। ए सीक्वेंस हैविंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट सीक्वेंस। इसके लिए आप लोग देख सकते हो 2 4 6 8 सोन। मैंने लास्ट टर्म यहाँ पे लिख दिए और लास्ट टर्म क्या लिख दिया, 40 लिख दी। तो ये एक फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगी, जिस टर्म में हमें लास्ट टर्म का एंड टर्म का पता हो वो आपके पास क्या बन जाती है, फाइनाइट सीक्वेंस, या नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या हो, फाइनाइट हो। ऐसे ही इनफाइनाइट सीक्वेंस के लिए, ए सीक्वेंस हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, कि उसमें जो टर्म्स है उनको हम काउंट ही नहीं कर सकते कि कितने टर्म है, तो वो क्या कहलाएगी, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट सीक्वेंस के लिए 2 4 6 8 मैंने वही एग्जांपल उठा लिया, लेकिन अब की बार सोन यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं है हमारे पास, तो ये क्या कहलाएगी, इनफाइनाइट सीक्वेंस। 1 3 5 7 सोन, ये भी क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब सीक्वेंस के बाद अपने पास अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट आपके पास आती है सीरीज। क्या है भाई? सीरीज। तो सीरीज में अपने पास क्या होता है, ए सीक्वेंस इज कनेक्टिंग, ए सीक्वेंस इज कनेक्टिंग बाय पॉजिटिव और नेगेटिव इज कॉल्ड ए सीरीज। ए सीक्वेंस इज कनेक्टेड बाई पॉजिटिव और ए नेगेटिव इज कॉल्ड ए सीरीज। कि हमारे पास जो भी ये सीक्वेंस है इनके टर्म्स के बीच में साइन प्लस का या माइनस का अगर हम यूज कर दें तो वो क्या कहलाएगी, सीरीज। अब सीक्वेंस और सीरीज के बाद अपने पास आता है, जिस चैप्टर पे हम काम कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग एपी कह रहे हैं। ए सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म एंड द वन प्रीसीडिंग इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एन एपी। ये कह रहा है कि एपी में आपके पास किसी भी टर्म का उससे प्रीसीडिंग टर्म से हम डिफरेंस फाइंड करें और वो डिफरेंस किसके इक्वल आए, किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल आए, तो वो क्या कहलाएगी, एपी कहलाएगी। दिस कॉन्स्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस एंड इज डिनोटेड बाई स्मॉल डी। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और डी की वैल्यू हमारे पास, ध्यान रखना, ये हमारे पास जीरो भी हो सकता है, ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, ये हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है। जी है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जी आपके पास रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो ये थी आपके पास एपी की डेफिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ तो हमारे पास आगे आता है भाई जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म ऑफ एन एपी
एपी, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, सोन। अगर इस प्रकार से जो टर्म्स है तो वो एक एपी की जनरल फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी इज दी कॉमन डिफरेंस। जैसे सीक्वेंस में टू टाइप थी अपनी, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस, उसी तरह से मैंने यहाँ एपी में भी टू टाइप्स ले ली है, एक फाइनाइट एपी है और एक हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट एपी है। तो फाइनाइट एपी में वही है, इफ एन एपी कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट एपी। नेक्स्ट इनफाइनाइट एपी, इफ एन एपी कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। अगर एपी में फाइनाइट टर्म है तो वो फाइनाइट एपी कहलाएगी, और इनफाइनाइट टर्म है तो वो क्या कहलाएगी, इनफाइनाइट एपी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, सो ऑन बी एन ए पी, हुज फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। देन ए वन, फर्स्ट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ए। सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस ए प्लस डी। थर्ड टर्म, ए प्लस टू डी। फोर्थ टर्म, ए प्लस थ्री डी, सो ऑन। और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते हमारे पास यहाँ से ऑब्जर्व करने के लिए क्या बातें हैं, ध्यान दे सकते हो आप। फर्स्ट टर्म है तो ए है, सेकेंड टर्म है तो ए प्लस डी है। अब यहाँ ए टू, टू है तो डी के साथ कितना है, वन है। ऐसे ही अगर ए थ्री की बात करूँ तो ए थ्री है तो ए प्लस टू डी। तो आप देख पा रहे हो ए थ्री है तो यहाँ पे अपने पास कितना है, टू है। ऐसे ही ए फोर है तो ए प्लस थ्री डी, कितना है, वन। लेस है हमारे पास, यहाँ फोर है और यहाँ पे कितना है, थ्री है। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एनथ टर्म को आपसे फाइंड करवाता है तो ए प्लस, यहाँ एन है तो एन से एक कम कर देंगे, वन लेस कर देंगे, तो क्या गया, एन माइनस वन इंटू डी। एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब बात आती है कि डी कैसे फाइंड किया जाए, तो एपी की जो डेफिनेशन कह रही है वो यही कह रही है कि कोई भी टर्म लीजिए और उससे प्रीसीडिंग टर्म को, भाई ऐसे में फर्स्ट टर्म तो छोड़नी पड़ेगी हमें, तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के किसी भी टर्म्स को लीजिए, उससे प्रीसीडिंग टर्म अगर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो क्या होगा, डी होगा। ए टू माइनस ए वन है, ये भी डी को रिप्रेजेंट करता है। ए थ्री माइनस ए टू भी डी को, ए सिक्स माइनस ए फाइव भी डी को, और ऐसे ही अगर मैं लिख दूं यहाँ पे ए एन माइनस ए एन माइनस वन, ये भी सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी को। एपी की कोई भी टर्म ले लो, उससे प्रीसीडिंग टर्म को उससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्या होगा, डी होगा। यहाँ से हमें कन्फर्म होता है कि अगर डी की वैल्यू इक्वल आती है, डी की वैल्यू सेम आती है तो वो क्या बनाती है, वो सीक्वेंस एपी बनाती है। अगर वो सीक्वेंस एपी ऑलरेडी गिवन है तो डी की वैल्यू है वो ऑलवेज क्या आएगी, इक्वल आएगी हमारे पास। इसके बाद जो हम ए वन ए टू ए थ्री पे डिस्कस कर रहे थे, हमने ए एन, एनथ टर्म है वो फाइंड कर ली, जिसको जनरल टर्म ऑफ एपी भी बोलते हैं। तो एपी की जो जनरल टर्म बन गई वो होगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके अलावा इसी रूल के बेस पे या इस रूल के बेस पे हम लोग डायरेक्ट भी ऐसे यूज कर सकते हैं। मैं आपसे कह दूं कि आपको एपी की फिफ्थ टर्म बतानी है, तो फिफ्थ टर्म अगर फाइंड करनी है तो आपको पता है कि उसकी जो फिफ्थ टर्म है वो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस, यहाँ पे क्या आना है, यहाँ फाइव है तो यहाँ फोर आना है, फोर डी हो गए। ऐसे ही अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आपको डायरेक्ट नाइन्थ टर्म बतानी है तो आप क्या कहोगे, ए प्लस एट डी। अगर मैं आपसे कह दूं कि 20th टर्म बतानी है तो क्या बन जाएगी, ए प्लस 19d। तो डायरेक्ट भी ऐसे यूज कर सकते हैं हम, और दूसरा एनथ टर्म का जो फॉर्मूला है इसका भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई एल, एल को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, लास्ट टर्म। तो अपने पास यहाँ पे लास्ट टर्म के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे एनए टर्म को हम ए एन से यूज कर रहे हैं, वैसे ही लास्ट टर्म है उसको किससे यूज कर रहे हैं, एल से यूज कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1, क्योंकि 5.1 में हमने जितना एपी के बारे में यहाँ पे अभी रीड किया है हमें उतने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। आगे जहाँ जहाँ जैसे ज़रूरत होगी हमें उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे,
In which of the following situation does the list of number of involved make an arithmetic progression and a why? हमें ये बताना है कि जो भी सिचुएशन हमारे पास गिवन है उसमें कौन कौन से मेपी बन रही है और बन रही है तो वो क्यों बन रही है। फर्स्ट ये द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रुपीज़ 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रुपीज़ 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ये कह रहा है फर्स्ट किलोमीटर के बाद अगर एडिशनल किलोमीटर के लिए जो चार्ज है वो 8 रुपीज़ है, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे इसके अंदर? The fare for first kilometer is equals to rupees 15. Given है भाई ये अपने पास। Next, the fare for second kilometer is equals to 15 plus 8 is equals to क्या बन गया यहाँ से हमारे पास है rupees 23. Next, the fare of थर्ड किलोमीटर इज इक्वल्स टू 23 प्लस 8 इज इक्वल्स टू रुपीज 31। ऐसे ही द फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर इज इक्वल्स टू 31 प्लस 8 इज इक्वल्स टू रुपीज 39। सो तो यहाँ से अपने पास हम लोग देख पा रहे हैं कि जो भी फेयर आ रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किलोमीटर का उसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 15, 23, 31, 39 सो ऑन। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन गई। क्या बन गई? फिलहाल हम इसको क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। अब हमें बताना है कि इट इज एन एपी और ए नॉट, ये एपी है या नहीं है। तो ये सब कुछ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या फाइंड कर देंगे? डी। तो आपके पास d इज इक्वल्स टू ए टू माइनस ए वन, इट मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 23 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 8। फिर से हम लोग d फाइंड कर देंगे। अब की बार मैं ले रहा हूँ थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म है 31 माइनस सेकेंड टर्म है 23, जो कि किसके इक्वल आ गया? 8 के इक्वल आ गया। एक बार फिर से मैं डी की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ ए फोर माइनस ए थ्री, फोर्थ टर्म माइनस में थर्ड टर्म 39 माइनस 38 इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से आप लोग चेक कर पा रहे हो कि जो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो सेम आ रहा है तो हम क्या लिख देंगे? देयर फोर इट इज फॉर्म एन ए ए पी। तो आप लिख दोगे यस इट इज फॉर्म एन ए ए पी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, वो कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो यहाँ एक बात को ध्यान से देखना है कि सिलेंडर में जितने भी एयर की अमाउंट है, ये कह रहा है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको, उसका 1/4 है वो हर टाइम है वो रिमूव किया जा रहा है, रिमेनिंग अमाउंट का, ना कि जो हमारे पास स्टार्टिंग में अमाउंट है उसका 1/4 रिमूव किया जा रहा है। क्या रिमूव किया जा रहा है? जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगी उसको रिमूव किया जा रहा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसमें अमाउंट ऑफ एयर या पहले हम अज्यूम कर लेंगे लेट अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर जिसको मैंने यहाँ पे वी यूनिट से लिख लिया। आप यहाँ वी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड और कुछ जो भी यूज करना चाहो वो कर सकते हो। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँ अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर आफ्टर फर्स्ट रिमूवल इज इक्वल्स टू। तो ये कह रहा है कि कितनी अमाउंट है वो रिमूव की जा रही है।
तो ये कह रहे हैं उसमें जितनी अमाउंट प्रेजेंट है उसका 1/4 जो अमाउंट है वो रिमूव की जा रही है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर आफ्टर फर्स्ट रिमूवल। फर्स्ट रिमूवल देखिए, आपके पास पहले जो इसमें इनिशियली जो अमाउंट है एयर की वो है कितनी, वी यूनिट्स है, तो वी माइनस 1/4 वी क्या जाएगा, वी माइनस 1/4 वी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से 4 LCM ले लेंगे तो ये बनेगा 3/4 V यूनिट्स। नेक्स्ट आप लिखोगे यहाँ पे अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर आफ्टर सेकेंड रिमूवल इज इक्वल्स टू। अब देखिए रिमेनिंग, रिमेनिंग एयर क्या है भाई, वहाँ पे रिमेनिंग एयर है 3/4 V। अब उसका 1/4 है वो रिमूव किया जा रहा है, तो 1/4 of 3/4 V। तो यहाँ से इन दोनों से मैं 3/4 V को कॉमन ले लूँ तो अपने पास यहाँ पे क्या रहा, 1 - 1/4 जो कि आपके पास बन गया 3/4 V × 3/4 बन गया, जो कि आपके पास 9/16 V आ गया। ऐसे ही आप लोग नेक्स्ट के लिए सॉल्व करोगे अमाउंट ऑफ एयर इन दिस सिलेंडर आफ्टर थर्ड रिमूवल। आफ्टर थर्ड रिमूवल लोगे तो आप यहाँ से ध्यान दीजिए, अब आपके पास जो रिमेनिंग है वो कितनी है, 9/16 V, तो -1/4 of 9/16 V। तो 9/16 V को अगर मैं कॉमन ले लूँ इन दोनों से तो 1 - 1/4 आ गया अंदर, और 1 - 1/4 है तो वही 3/4 बन गया, 9/16 V × 3/4 आ गया, जिसको आप लिख सकते हो यहाँ पे 27/64 V। तो आप इसमें देख पा रहे हो कि आपके पास अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर आफ्टर फर्स्ट रिमूवल ओरिजिनल जो थी वो कितनी थी, वी थी, उसके बाद क्या बनी 3/4 V आ गई, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गई 9/16 V आ गई, और उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गई 27/64 V और सो ऑन, ये आगे इस प्रकार चलता रहे। तो इससे मैं आपसे अगर डी की वैल्यू फाइंड करवाऊँ तो हमारे पास डी क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म वी है, सेकंड 3/4 V है, फोर्थ थर्ड है वो 9/16 V है, और नेक्स्ट है 27/64 V है। तो यहाँ से हम डी अगर फाइंड करते हैं तो a2 - a1, 3/4 V - v, a2 - a1। तो मैं यहाँ पे आपसे 4 LCM ले लूँ तो 3V - 4V क्या बना, माइनस का 1/4 V, क्यों 4 LCM लेंगे तो यही आएगा हमारे पास। और उसके बाद नेक्स्ट फिर दोबारा से डी फाइंड करते हो, a3 9/16 V - 3/4 V, यहाँ से 16 अगर एलसीएम ले लूँ तो 9V - में और ये 4 पे डिवाइड हो गया तो 12V बन गया, 12V बन गया तो ये माइनस का 3/16 V आ गया। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ क्या डी की वैल्यू सेम है हमारे पास, नहीं है, नहीं है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो हम लिख देंगे नो, इट इज नॉट एन AP, ये क्या नहीं बना रही भी हमारे पास है, AP नहीं बना रही। ये था आपका सेकेंड पार्ट। ऐसे ही हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट आपके पास गिवन है, थर्ड पार्ट है वो बिल्कुल सेम आपका फर्स्ट पार्ट की तरह से ही है। थर्ड जो पार्ट है वो कैसा है, फर्स्ट पार्ट की तरह से ही है। द कॉस्ट ऑफ डिजिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ द डिजिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाई रुपीज 50 फॉर ईच सब्सक्वेंट मीटर्स,
तो अगले इस मीटर के लिए 50 है वो ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फर्स्ट मीटर के लिए अमाउंट है वो क्या है 150 है, तो सेकंड मीटर के लिए बनेगी 150 प्लस 50 क्या हो जाएगी 200, थर्ड के लिए उसमें 50 और ऐड कर दोगे, फोर्थ के लिए 50 और ऐड हो जाएगा, सो ऑन। तो यहाँ से चेक कर पा रहे हो आप कि ए टू माइनस ए वन अगर मैं लेता हूँ यहाँ, तो आपका जो डी बनेगा वो कितना आएगा, ए टू माइनस ए वन 50 आएगा। फिर से अगर मैं डी लूँगा ए थ्री माइनस ए टू, तो ये भी 250 माइनस 200 कितना आएगा, 50 आएगा। फिर से अगर मैं डी लेता हूँ ए फोर माइनस में ए थ्री की हेल्प से, तो ये भी कितना आएगा, 50 आएगा। तो यस इट इज फॉर्म एन ए एपी, ये भी क्या बना रहा है, एपी बना रहा है। पार्ट नंबर फोर्थ पे ध्यान दीजिए आप, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ मनी इन दी अकाउंट एवरी ईयर रुपीज़ 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट दी 8% पर एन्यूम। तो अमाउंट के लिए जो फॉर्मूला है वो हमें याद होना चाहिए भाई, क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू में वन प्लस में आर अपॉन में 100 और ऑल रेज टू द पावर टाइम टी। तो यहाँ पे आपके पास ये कह रहा है अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एन्यूम। तो जो स्टार्टिंग की जो अमाउंट है फर्स्ट ईयर में, वो अमाउंट आपके पास कितनी है, रुपीज़ 10,000 है, रुपीज़ 10,000। उसके बाद अपने पास अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है भाई, 10,000 इनटू में वन प्लस, रेट क्या कह रहा है, 8% पर एन्यूम, 8 अपॉन 100। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर टाइम कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये आपके पास क्या बन गया, से 10,000 और इंटू में 100 प्लस में 8, तो 100 प्लस में 8 लोगे तो क्या बन गया, 108 अपॉन में 100 रेज टू द पावर 1 है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये जितने पे डिवाइड हो रहा है इसको डिवाइड कर सकते हो, 2 से करोगे तो आपके पास क्या बन गया, 5 0, फिर 2 से 25, फिर 2 से करोगे तो 27। तो आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, 10,000 और अपने पास यहाँ पे आ जाएगा इंटू में आ जाएगा क्या भाई, 27 अपॉन में 25। ऐसे ही हम लोग इसमें लिख देंगे अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, तो ये बनेगा आपका 10,000 इंटू में, अंदर तो आपको पता है कि वही 1 प्लस 8 अपॉन 100 लिखना है, तो सेम यही 27 अपॉन 25 ऑल रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, टाइम है वो 2 आ जाएगा। ऐसे ही आप लिख सकते हो अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर, तो आफ्टर थर्ड ईयर लोगे तो भी आपके पास 10,000 इंटू 27 अपॉन 25 रेज टू द पावर कितना बन गया, 3 बन गया, सो ऑन। तो यहाँ से भी आप जब डी की वैल्यू फाइंड करोगे तो फर्स्ट अमाउंट तो आपके पास है 10,000, 10,000 माइनस ये लोगे, नेक्स्ट आपका ए थ्री माइनस ए टू लोगे, ए फोर माइनस ए थ्री लोगे, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है वो क्या नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो आप क्या लिख दोगे, नो इट इज नॉट एन ए पी, इसमें लिख सकते हो बिकॉज डी इज नॉट सेम, डी है वो हमारे पास क्या नहीं होगा, सेम नहीं होगा। तो ये हमारे पास यहां से बन जाएगा क्या भाई, कि आपका जो क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट है वो। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो और करवाता हूं मैं,
ये कह रहा है सेकंड में, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी वेहन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज ए बिलो। यहाँ से किसी भी पार्ट को ले लो, मैं फर्स्ट ही पार्ट इसमें ले रहा हूँ, ए की वैल्यू 10 गिवन है, डी की वैल्यू 10 गिवन है। ये कह रहा है राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी, फर्स्ट फोर टर्म कह रहा है। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो तो क्या है, ए वन, किसके इक्वल था ए के, तो ए वन कितना हो गया 10। नेक्स्ट आपने रीड किया था ए टू, ए टू क्या था ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू हमारे पास 10 है प्लस डी की वैल्यू भी यहाँ 10 है, तो ये कितना हो गया 20 हो गया। ऐसे ही मैं ए थ्री, ए थ्री क्या था हमारे पास ए प्लस टू डी, तो ए की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू 10 है, तो 2 × 10 20 हो गया, कितना बन गया 30। ऐसे ही मैं फोर्थ टर्म ए फोर, ए प्लस ए थ्री डी, तो ए की वैल्यू 10 है प्लस 3 × d की वैल्यू भी 10 है, तो 10 प्लस में 30 इज इक्वल्स टू क्या बन गया 40। तो ये आपके पास आ गई भाई फर्स्ट टर्म, ये आपके पास आ गई सेकेंड टर्म, और ये आपके पास आ गई थर्ड टर्म, और ये आपके पास आ गई फोर्थ टर्म। ऐसे ही इसके सभी पार्ट्स को करना है, और ये आप है, इसको खुद करके देखोगे। ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूं, फॉर दी फॉलोइंग ए पीज राइट दी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपके पास ए पी ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है, ए पी ऑलरेडी गिवन है, और आपसे इसमें ये कह रहा है कि आपको फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। यहाँ पे मैं आपके सामने ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट ले लिया मैंने, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, सो ऑन आर एन ए पी। क्यों लिख दिया ऐसा, क्योंकि गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन के हर पार्ट में ये गिवन है, इट इज एन ए पी। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो इसके अंदर, अगर ये ए पी हमारे पास गिवन है, तो एक तो कह रहा है कि फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग किससे लिख देते हैं ए से, अरे फर्स्ट टर्म क्या है 1/3, किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, फर्स्ट टर्म जो भी एपी गिवन है उसकी जो सबसे पहले लिखी हुई टर्म है वो हमें लिखनी है। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग किससे लिखते हैं डी से, जो कि आप किसी भी टर्म को, मैंने यहाँ ए टू माइनस ए वन लिख लिया, सेकेंड टर्म माइनस ए फर्स्ट टर्म, 5/3 माइनस 1/3, तो ये बन गया आपके पास 3, हमने एलसीएम ले लिया 5 - 1 4/3, ये आपका थर्ड पार्ट है कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आप किसी भी पार्ट को ले लीजिए, सभी में आपको यही कॉमन काम है वो करना है, कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है हमारे पास, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक ईमानदारी से जो भी हमारे पास, क्योंकि नया टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है, और इस नए टॉपिक के जो भी रिजल्ट्स है, जो भी बेसिक है, क्योंकि कहीं भी हमने एपी के बारे में 9th क्लास तक नहीं पढ़ा है, हम ये 10th क्लास में ही इसको रीड कर रहे हैं, तो अच्छे से इसके जो रिजल्ट्स है वो अच्छे से रीड करने हैं, और उसके बाद जितना काम जो भी हमारे 3 क्वेश्चन हुए हैं ये फिर नोटबुक में अच्छे से आपको करने हैं।